जी बेटा नाश्ता बन गया क्या? एनी ओम एक सेकंड। ये लो भैया, तुम्हारी चेकबुक आ गई है तुम्हारे अकाउंट की, ऑफिस में रिसीव हुई है, इसको संभाल के रख लेना। बड़ी अम्मी, मैंने आपको पहले भी कहा था कि मुझे इसकी क्या ज़रूरत, बैंक अकाउंट की भी क्या ज़रूरत, जो मुझे चाहिए होगा मैं आपसे मांग लूँगी। और मैंने तुम्हें क्या कहा था? मैंने यही कहा था ना कि मैं चाहती हूँ कि तुम्हारे पास पावर हो, तालीम की भी और पैसों की भी, ताकि तुम उस घर में रहो जहाँ पे रहो तुम कॉन्फिडेंस और एतमाद के साथ रह सको, है ना? एनी बेटा ऑमलेट। जी अब्बा, बस लेकर आई। अरे सबके लिए नाश्ता बना रही है ना, वो तो थोड़ी देर लगेगी, कुछ जल्दी है क्या, थोड़ा इंतजार कर लो। भाभी बुरा नहीं मनाइएगा, घर की और बच्चियों को भी काम सिखाएं आप, अपने सारा बोझ मेरी बेटी पे डाला हुआ है। उन्हें भी सिखा दिया जाएगा, लेकिन मैं देख रही हूँ पिछले हफ्ते से तुम कुछ ज़्यादा ही मेहरबान हो अपनी बेटी पर भी, और वो आयशा कह रही कि तुम उसको मैके भी ले गए। खैरियत है, तबीयत ठीक है तुम्हारी? जी भाभी तबीयत ठीक है, मैं तो बीवी बच्चों का ख्याल रखने का मतलब ये तो नहीं है कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तबीयत ठीक है भाभी। अच्छा अब तुम इतना ख्याल कर ही रहे हो, तो 22 से पेपर शुरू हो रहे हैं ना तुम्हारे, तो कुछ बोझ इसका भी कम करो। ऐसे करो, राहिला से पूछ लो कि वो दिन का खाना बनाएगी या रात का, या सबके लिए सुबह ये दर्जन भर अंडे तल लेगी। हाँ उसे पूछ के बता देना, इसके इम्तिहान है ना। हाँ मैं तो ऑमलेट बनाती हूँ।